नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में क्रिटिकल थिंकिंग वाले कोई सब्जेक्ट्स अलाउड नहीं होते। वहाँ पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि किनके बच्चे क्या बनने वाले हैं और उन बच्चों को उस चीज़ के अलावा और कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता। स्टूडेंट्स ज़्यादा सवाल ना करें उसके लिए उन्हें एक दूसरे पर नज़र रखने को कहा जाता है। वो एक बड़ी सिस्टम यूज करते हैं जहाँ आप अपने असाइन पार्टनर के बिना कहीं नहीं जा सकते और हर वीकेंड पे उन्हें एक दूसरे की हर हरकत के ऊपर रिपोर्ट देना पड़ता है। जैसे ही वो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं उन्हें 10 साल के लिए अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है और मैंडेटरी आर्मी ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ के लोगों का अपने परिवार से कनेक्शन कम हो जाए, ताकि वो सिर्फ अपने ग्रेट लीडर के प्रति प्यार रखें। दोस्तों प्यार से याद आया, नॉर्थ कोरियन लैंग्वेज में अपने परिवार और चाहने वालों के लिए प्यार नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। वो शब्द आप सिर्फ अपने ग्रेट लीडर के लिए यूज कर सकते हो, मतलब इससे ज्यादा पोजेसिव और इनसिक्योर डिक्टेटर आपको आज के जमाने में तो कहीं नहीं मिलेगा। उसने रिसेंटली वहाँ के पेट डॉग्स को मारना शुरू कर दिया है। उसके ऊपर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए।